राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2018 में नाम वापसी का अंतिम दिन है और दोनों ही संगठन अपने अपनी बागी प्रत्याशियों को मनाने में जुटे हुए हैं। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नाम वापसी का समय रखा गया। 3 से लेकर 5 बजे तक बचे हुए नामांकनों की स्क्रूटनी के बाद 5 बजे अंतिम नामांकन सूची प्रकाशित हो जाएगी। स्क्रूटनी को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आर के कोठारी ने बताया कि छात्र संघ चुनाव कमेटी 5 बेंच बनाकर काम कर रही है। 4 बेंच पर अपेक्स बॉडी जबकि 1 पर शोध छात्र प्रतिनिधि को लेकर स्क्रूटनी चल रही है। उन्होंने कहा कि नाम वापसी के दौर के बीच किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन मुख्य गेट और DSW कार्यालय पर तैनात है। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की तारीफ भी की और कहा कि पिछले साल हुए छात्र संघ चुनावों की खुद CM ने तारीफ की थी और ये पुलिस की तैनातगी की वजह से ही संभव हुआ था। छात्र संघ चुनावों को लेकर मंगलवार को सीनेट हॉल में चुनाव कमेटी और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ संयुक्त मीटिंग की जाएगी। छात्र संगठन बागियों को मनाने में भी जुटे हुए हैं। स्क्रूटनी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और शाम तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद कल जो छात्र चुनाव लड़ रहे हैं और पुलिस अधिकारियों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ में एक समन्वित बैठक कल 4 बजे सीनेट हॉल में आयोजित की जाएगी। छावनी बनाने जैसी कोई बात नहीं है। आप भी समझते हैं कि बड़ा VIP रोड है और हाईकोर्ट के भी निर्देश हैं कि इस पर यातायात बाधित नहीं होना चाहिए, तो पुलिस की जो सारी व्यवस्था है वो हमें सहयोग के लिए है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी लोकेश बताएं। जी मैं बताना चाहूंगा कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र चुनाव को लेकर नामांकन वापसी की आज अंतिम तिथि है, जिसको लेकर यानी ABUC और NSA के जो बागी प्रत्याशी अपने अपने नामांकन वापस ले रहे हैं, जिसमें ABUC के इनके जो लगभग सभी प्रत्याशी जो बागी प्रत्याशी उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। केवल एक संजय सुथार है उसने इनके नामांकन अपने फिलहाल वो संजय सुथार अध्यक्ष पद के लिए लिए जबकि महासचिव पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था और उसी पे चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन अभी तक इनकी वो भी इनकी असमंजस में चल रही है कि नामांकन वापस ले या उनकी इनकी चुनाव लड़े। लोकेश जो बागियों को मनाने की प्रक्रिया वो भी जारी है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी मैं बताना चाहूंगा जैसे जैसे इनकी संगठन जो ABUC और NSA है वो अपने बागियों को समझाने की प्रयास कर रही है, उसमें इनकी ABUC ने अपने इनकी 4 जो बागी खड़े हुए थे अलग अलग पदों पे उनका इनकी मना लिया, जबकि एक संजय सुथार को नहीं गया। वहीं दूसरे NSA ने जिसके जो बागी है उसमें से इनकी 2 बागियों को इनकी समझा कर लिया गया, वो उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, जबकि NSA के जो 2 प्रत्याशी जो इनकी अहम जो इनकी अध्यक्ष पद की दावेदारी हो सकते हैं वो है महेश सामोता और विनोद जाखड़, दोनों ने अभी तक अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। जी लोकेश बात करें अगर ये विश्वविद्यालय में जो व्यवस्थाएं हैं किस तरीके से की गई हैं, पुलिस की व्यवस्था किस तरीके से है भी बताएं। जी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय में पुलिस बल है, 4 थाने की पुलिस सही RST के जवान यहाँ तैनात है, साथ ही जो विश्वविद्यालय प्रशासन और जो अलग से पुलिस प्रशासन उन्होंने व्यवस्थाएं पूरा इनकी जायजा ले रखा है, और साथ ही जो जो इनकी जहाँ भी असुविधाएं लगती है वहाँ इनकी सुविधाएं देती की जा रही है। जी लोकेश तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए।